चंबल का डकैत कल्ली गुर्जर सलाखों के पीछे है। पुलिस ने जब उसके क्राइम की कुंडली खंगाली तो कई रोचक किस्से भी सामने आए। पहला कल्ली की अपराधों की कहानी जिस घर से शुरू हुई अंत भी उसी घर में हुआ, और दूसरी लड़की को दिल देने और दूल्हा बनने की जिद ने गैंग का सफाया करवा दिया। दरअसल 2021 में मुरैना जिले के पहाड़गढ़ गाँव के गोपाल गुर्जर से मारपीट करने पर डकैत कल्ली गुर्जर की पहचान बनी थी। 2022 अप्रैल में उसी गोपाल गुर्जर की नातिन पर बुरी नीयत ने डकैत कल्ली के करतूतों पर विराम लगा दिया। कल्ली खूंखार डकैत गुड्डा गुर्जर का सक्रिय सदस्य रहा है। 32 वर्षीय डकैत कल्ली गुर्जर का जन्म निरार थाना क्षेत्र के चाचुल गाँव में हुआ था। कल्ली गुर्जर ने पहला बड़ा अपराध वर्ष 2021 में पहाड़गढ़ गाँव में ही किया था, वह भी वृद्ध गोपाल गुर्जर के यहाँ। झगड़े की शुरुआत तब हुई जब गोपाल गुर्जर ने वादा किया कि कल्ली से उसकी शादी एक लड़की से करा देगा, मगर लड़की से शादी कराने का वादा किया उसका ब्याह दूसरे के साथ हो गया। इस पर कल्ली गुर्जर ने गोपाल गुर्जर के लड़के को बंधक बनाकर झोपड़ी में डाल दिया। बंधक इसलिए बनाया ताकि गोपाल गुर्जर पहले उसकी शादी करा दे, नहीं तो वह उसके बेटे को जाने नहीं देगा। डकैत गुड्डा गुर्जर की गैंग के सक्रिय सदस्य रहने के दौरान वर्ष 2021 में कल्ली गुर्जर ने अवैध वसूली को लेकर सुभाषपुरा गांव में गोलियां चलाकर मारपीट की थी। 2021 में शिवपुरी के सतनबाड़ा क्षेत्र में युवक का अपहरण किया, फायरिंग करते हुए डकैती डाली थी। मुरैना के जौरा में भी एक केस कल्ली के नाम दर्ज है। कल्ली पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने पहले उसके मददगारों पर निशाना साधा, मददगारों के नंबर ट्रेसिंग पर डालकर पकड़ा, और आखिर में कल्ली की किसी ने मदद नहीं की, उल्टा मुखबिरी कर दी। पुलिस ने कल्ली गुर्जर को पकड़ने के लिए कैलारस थाना प्रभारी देवेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में पहाड़गढ़ व रामपुर थाने की टीमें शामिल की गईं। मुरैना पुलिस की साइबर सेल टीम के प्रभारी सचिन पटेल ने डकैतों के मोबाइल नंबर के आधार पर स्याही की टेक गांव सरपंच निर्मल गुर्जर, कल्ली गुर्जर व उसके भाई को पनाह देता है। फिर क्या था, जैसे ही जितेंद्र गुर्जर व राकेश गुर्जर सरपंच निर्मल गुर्जर के संपर्क में आए, उन दोनों को धर दबोचा।